ये है अमेरिका में मौजूद नट्टी पट्टी केव। आज से 13 साल पहले यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद से आज तक पब्लिक के लिए इस जगह पर जाना अलाउड नहीं। दोस्तों, ये केव इसलिए मशहूर है क्योंकि 2009 में 26 साल मेडिकल स्टूडेंट जॉन जॉन्स इस केव की तरफ आया। जॉन को नई चीज़ों को डिस्कवर करने का काफ़ी शौक था। जॉन पहले भी बहुत सारी केव्स घूम चुका था। अक्सर केव्स ऐसी होती हैं जिनमें जगह बहुत तंग होती है, इतनी तंग के इंसान को रेंग कर जाना पड़े, और ऐसी प्लेसेस पर एक क्लस्ट्रोफोबिक इंसान हरगिज नहीं जा सकता, यानी कि ऐसा इंसान जिसको तंग जगहों पर जाने से डर लगता हो। लेकिन जॉन की इम्यूनिटी क्लस्ट्रोफोबिया के अगेंस्ट काफ़ी स्ट्रांग थी। हर बार की तरह इस मर्तबा भी जॉन नट्टी पट्टी केव को एक्सप्लोर करने आया हुआ था। एक जगह पर पहुंचकर उसके दोस्त भी मजीद गहराई में जाने से डर रहे थे, लेकिन जॉन ने इस केव की गहराई में जाने का मन बना लिया था। कई फीट गहराई में पहुंचकर जॉन को लगा कि उसकी बॉडी एक बहुत ही नैरो प्लेस में फंस गई है। उसके दोस्त मुसलसल उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नाकाम हो रहे थे। इस कोशिश में 5 घंटे गुजर गए, लेकिन जॉन वहाँ से नहीं निकल पा रहा था। उसके दोस्तों ने थक हार कर रेस्क्यू टीम को बुलाया कि किसी तरह अपने दोस्त को बचा सकें। वक्त गुजरता गया और 26 घंटे इसी कोशिश में निकल गए, लेकिन इतना वक्त गुजरने के बाद क्या जॉन जिंदा बच पाया? आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। अगर बात करें इस गार के बारे में तो नट्टी पट्टी केव अमेरिका के उता कांटी में मौजूद है। इस गार को डेल ग्रीन नामी इंसान ने 1960 में डिस्कवर किया था। दोस्तों, ये गार 1400 फीट गहरा है। दूसरे केव्स के मुकाबले इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा तंग रास्ते और भूल भुलैया मौजूद हैं। इतना तंग कि कोई इंसान मजीद गहरा जाना चाहे तो उसको सुकड़ कर जाना पड़े। यहाँ पर हर साल 5000 से ज़्यादा विजिटर्स आते थे। 24 नवंबर 2009 को जॉन भी अपनी बीवी और 1 साल की बेटी के साथ इस गार को घूमने के लिए आया। बीवी और बेटी के अलावा जॉन के साथ उसके 9 दोस्त भी शामिल थे। लोकेशन पर पहुंचकर ये लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। 1 घंटा बिल्कुल ठीक ठाक गुजरा, तब तक ये लोग बिग स्लाइड तक पहुंच चुके थे। दोस्तों, बिग स्लाइड इस केव की बहुत ही कुशादा और वाइड प्लेस थी, लेकिन इससे आगे का रास्ता काफ़ी तंग था। रास्ता तंग होने की वजह से जॉन के दोस्त मजीद आगे बढ़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जॉन का भाई जॉश आगे जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों भाई सर के बल रेंगते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे क्योंकि रास्ता बहुत तंग था। कुछ वक्त गुजरने के बाद दोनों भाई इस केव के 50 फीट अंदर पहुंच चुके थे। यहां पर काफ़ी अंधेरा था और जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे रास्ता और भी ज़्यादा तंग होता जा रहा था, लेकिन किसी की परवाह किए बगैर जॉन आगे बढ़ता जा रहा था। उसके दिल में किसी तरह का कोई डर नहीं था क्योंकि पहले भी वो कई मर्तबा ऐसी गारों में जा चुका था। उसके पीछे उसका भाई जॉश भी मुसलसल रेंगते हुए आगे बढ़ रहा था। 100 फीट आगे बढ़ने के बाद जॉन ने महसूस किया कि उसकी बॉडी हर तरफ से इस गार में फंसती महसूस हो रही है, गोया मजीद आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। जगह इतनी तंग थी कि अब वापस लौटने के लिए जॉन पलट भी नहीं सकता था। उसका भाई जो उसको फॉलो कर रहा था वो भी नजर नहीं आ रहा था। तभी जॉन को उस गलती का एहसास हुआ जो उसकी जान भी ले सकती थी। उसने देखा कि उसका भाई भी वहां पर मौजूद नहीं है। दोस्तों, बिग स्लाइड से कुछ फिट आगे बढ़ने पर ये गार 2 हिस्सों में डिवाइडेड था। जहां पर इन लोगों को जाना था वो बर्थ कैनाल था, लेकिन जिस जगह पर वो पहुंच चुका था उस बारे में उसे खुद नहीं पता कि ये कौन सी जगह थी। जॉन ये सोचकर आगे बढ़ रहा था कि कोई कुशादा जगह मिलने पर वो वापस पलट सके। ये रास्ता 10 से 15 इंच चौड़ा था, यहाँ से पलटना मुमकिन नहीं था। जॉन ने एक गहरी सांस ली और अपने आप को आगे धकेल दिया। जॉन एक झटके के साथ थोड़ा सा आगे की तरफ गिर गया। आगे रास्ता खत्म हो चुका था। अब जॉन एक ऐसी जगह फंस चुका था जहाँ से पलटना मुमकिन नहीं था और आगे कोई रास्ता नहीं था। उसका सीना और कमर कुछ इस तरह फंस चुके थे कि यहाँ से निकलना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका था, क्योंकि जॉन जिस तरह फंस चुका था
उसका सर नीचे और पैर ऊपर थे, यानी वो बिल्कुल अपसाइड डाउन था। उसका भाई जॉश उसको फॉलो करता हुआ यहाँ तक पहुँच चुका था। अपने भाई को यहाँ से निकालने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जॉश ने महसूस किया कि अब किसी की मदद तो ज़रूर लेनी चाहिए। जॉश वहाँ से निकलकर रेस्क्यू टीम से कॉन्टैक्ट किया। मदद पहुँचने में लगभग 3 घंटों का वक्त लग गया। जॉन बिल्कुल उल्टे इसी टनल में फंसा हुआ था। 3 घंटे के बाद रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच चुकी थी। सूसन मेटला इस टीम को लीड कर रही थी। सूसन समझ रही थी कि ये कोई बड़ा मसला नहीं है, वो आसानी से बचा लिया जाएगा। लेकिन यहाँ का नज़ारा देखकर वो समझ चुकी थी कि ये मसला इतना आसान नहीं है। जॉन को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जाने लगी। जिस तरह से जॉन फंसा हुआ था, सिर्फ उसके पैर ही बाहर वालों को नजर आ सकते थे। चारों नाचार सूसन ने जॉन के पैर में रस्सी बांधी और उसको बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करने लगी। दोस्तों, जॉन को इस गार में फंसे हुए 19 घंटों का वक्त गुजर चुका था और जॉन को बचाने की हर कामयाब कोशिश नाकाम होती नजर आ रही थी। एक दिन मुकम्मल होने के बाद जॉन के दिल की धड़कन कम होने लग गई थी, क्योंकि पिछले 24 घंटों से जॉन बिल्कुल उल्टा फंसा हुआ था। दोस्तों, इस तरह किसी भी इंसान का मुसलसल एक दिन तक उल्टी पोजीशन में रहना किसी भी तरह खतरे से खाली नहीं। इससे इंसान की खोपड़ी में खून जमा होने की वजह से दिमाग और आँखों में प्रेशर बढ़ जाता है और नसों में भी खून का फ्लो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से नसें फटने का खतरा रहता है। बॉडी में खून की सप्लाई भी रुक जाती है और अक्सर इससे इंसान की मौत हो जाती है। बाहर 100 से ज़्यादा रेस्क्यूअर्स जमा हो चुके थे, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि वो जॉन के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। जॉन महसूस कर चुका था कि अब उसका वक्त करीब आ चुका है। उसने सूसन से अपनी बीवी से बात करने की ख्वाहिश जाहिर की। सूसन ने बड़ी मुश्किल से उसके कान तक फोन पहुंचाया। जॉन ने अपनी बीवी, दोस्तों और फैमिली वालों से बात की। रेस्क्यू टीम ने नाउम्मीद होकर अपनी आखिरी कोशिश की। ड्रिल मशीन से गार के दीवारों में होल बनाना शुरू किया गया। इस पूरे ड्रिलिंग सिस्टम का मुख्तलिफ बोल्ट के सपोर्ट से काम चल रहा था, लेकिन फिर कुछ बहुत अजीब हुआ। अचानक उसका एक बोल्ट गार की दीवार से नीचे गिर गया, जिसके बाद चारों तरफ धूल ही धूल नजर आने लगी। लेकिन जब धूल छटी तो सूसन ने जॉन को आवाज दी, लेकिन सामने से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। मेडिकल टीम जो बाहर रुकी हुई थी, सूसन ने उनको अंदर आने को कहा, लेकिन दोस्तों वही हुआ जिसका डर था। जॉन 27 घंटों तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ता हुआ आखिरकार हार गया। जब बाहर इंतजार कर रहे जॉन के दोस्त और उसकी बीवी को इसकी खबर पहुंची तो गम के मारे उनका बुरा हाल था। बाहर आकर सूसन ने उनको दिलासा दिया। सूसन ने बताया कि अब जॉन मर चुका है, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि मरने के बाद भी जॉन की बॉडी को बाहर नहीं निकाला जा सका और इस गार के गेट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इसके एडवेंचर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।